अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिश साहिर और आप देख रहे हैं अवामी गपशप। पंजाब कॉलेज सादिकाबाद में एनुअल प्राइज सेरेमनी का इनकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी डॉक्टर तलूस सलीम बाजवा थे। हर साल की तरह इस साल भी पंजाब कॉलेज सादिकाबाद ने बजरिया कुरंदाजी उमरा का टिकट अपने स्टाफ मेंबर को दिया। इस पुरवकार तकरीब में सादिकाबाद शहर के मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों ने शिरकत की। मोहम्मद अशरफ साहब जो कि सादिकाबाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, ब्रेन ऑफ सादिकाबाद ये जो मनक़द करवाया है पंजाब कॉलेज ने, सर के क्या व्यूज़ हैं, सर फ्यूचर प्लान क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम दानिश, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। दानिश, आज का जो प्रोग्राम था वो ब्रेन ऑफ सादिकाबाद 2020 की एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी और उसमें पोजीशन होल्डर थे उनको प्राइज़ दिया गया है। ये प्रोग्राम 2017 से स्टार्ट लिया पंजाब कॉलेज सादिकाबाद कैंपस ने और ये प्रोग्राम सादिकाबाद से शुरू हुआ और अब ये पूरे पंजाब तक, पूरे पंजाब के तमाम शहरों तक ये फैल चुका हुआ है और उनके सिटी के नेम से, जैसे ब्रेन ऑफ रहीम खान, ब्रेन ऑफ लियाकतपुर, ब्रेन ऑफ खानपुर, ब्रेन ऑफ बहावलपुर एंड सो ऑन। तो इनिशिएटिव सादिकाबाद कैंपस से हुआ और आज पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में देखें तो ये मैट्रिक के बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं 10th क्लास के, और वो बच्चे उनके एनुअल एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इस टेस्ट से उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। उनकी तैयारी के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई, जिस तरह आज आपने देखा कि इसमें जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के टॉप 3 पोजीशन होल्डर थे, प्राइवेट सेक्टर के टॉप 3 पोजीशन होल्डर थे, उनकी हौसला अफजाई के लिए आज की जो पुरवकार तकरीब जो थी वो मुनक़द की गई और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से होता रहेगा। और इसका मकसद बच्चों की जो ग्रूमिंग है उसको बेहतर करना है। जितना टैलेंट बच्चों के पास है पंजाब कॉलेज के प्लेटफॉर्म से, वो टैलेंट जो है मज़ीद पॉलिश होता है और वो बच्चे पोजीशन में इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस दफ़ा 3500 प्लस जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 72 प्लस स्कूल थे और डिफरेंट एकेडमीज़ भी थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया और आज की उनकी हौसला अफजाई की गई, उनकी एप्रिसिएशन अवार्ड सेरेमनी थी तो वो उनको दिया गया और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब कॉलेज ने बड़े मुख्तसर अरसे में सादिकाबाद के तालीमी कैनवस को चेंज किया है, सादिकाबाद के तालीमी मायार को बढ़ाया है और तालीमी इदारों में एक मुकाबले का रुझान पैदा किया है, एक सेहतमंद मुकाबले का। पंजाब कॉलेज की कामयाबियों पर मैं प्रिंसिपल साहब और उनके तमाम असातिज़ा और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि इसी तरह से कामयाबियां हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने ब्रेन ऑफ सादिकाबाद को विन किया है, तो बच्चे से पूछते हैं कि कैसी उनकी तैयारी थी, उनका स्केड्यूल क्या था स्टडी के लिए। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो बताइएगा आपका क्या नेम है? मेरा नाम साद नदीम है। ठीक हो गया। अब ब्रेन ऑफ सादिकाबाद, जब आपको पता था कि ये टेस्ट होने हैं, पेपर्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस ने करना है, तो आपका स्टडी कितनी करते थे, क्या स्केड्यूल था सारा, वो बताइएगा। स्टडी का स्केड्यूल यही था कि सुबह स्कूल जाना है, आके एकेडमी की तैयारी करनी है, फिर एकेडमी से वापस आकर स्कूल का तैयार करना है, फिर उसके बाद डेली यही रूटीन है। सही हो गया। तो अभी आप पंजाब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पंजाब कॉलेज का स्टडी का वो सारा बताइएगा ताकि आपके जो आप एक रोल मॉडल बने हैं ब्रेन ऑफ सादिकाबाद, सादिकाबाद के लिए एक बड़े ऑनर की बात है। आप रोल मॉडल बने हैं, अपने साथ के जो फेलोज हैं, जो जितने भी साथी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने फेलोज को कि वो भी मेहनत करें, अपने माँ बाप की दुआएं लें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मेहनत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और रात गए तक किताबों में मशगूल रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि मेरा बेटा आज ब्रेन ऑफ सादिकाबाद का इजाज़ हासिल किया है उसने। और मेरी यही ख्वाहिश है, हमने कभी भी इन पर ये नहीं कहा कि ये, हाँ अब फोर्स नहीं किया कि ये बने नहीं, जो इनका दिल चाहे जैसे ये आज़ादाना तौर पे ये अपनी स्टडी को आगे जारी रखें जो इनका दिल चाहता है। तो बेटी की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनने की, इसलिए उसने मेडिकल को ज्वाइन किया और पंजाब कॉलेज ऑफ ग्रुप जो है उसकी एक ब्रांच सादिकाबाद में है, जिनकी जिस बिना पे ये आज इजाज़ हासिल करने में कामयाब हुआ है ब्रेन ऑफ सादिकाबाद 2020। तो यहीं पर इसका एडमिशन हुआ है
जो हमारे लिए भी एजाज है और मेरे शहर सादिकाबाद के लिए भी एजाज है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे भी इसी तरह ही मेहनत करेंगे और अपने शहर का, माँ बाप का और खसूस बिलखसूस मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन। सर मौजूद हैं शाहिद अमीर शाहिद साहब, जो कि आज की जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने एक प्राइज सेरेमनी का अरेंज किया है। शाहिद साहब से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा और ऐसा मजीद पंजाब कॉलेज को करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। एक तो आपका चैनल जो है वो अवामी गपशप, उसको पहले से सब्सक्राइब करें, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है लेकिन मैं वो अदा कर रहा हूँ। और ज़हनी आजमाइश की जंग में पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वर्ल्ड में भी कैंगरो टेस्ट होता है एक, जिसमें बच्चे जो हैं एक ख़ास लेवल पे टेस्ट देते हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ये इख्तरा मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में शायद ये वाहिद इदारा है जहाँ पे अखाड़े में जाने से पहले, जिस तरह एक बॉक्सर अखाड़े में जाने से पहले वार्म अप होता है, तो बच्चे जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले मल्टीपल चॉइस की बेस पे जो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त काबिश है। उसमें देखें आज साद नदीम ने पहली पोजीशन हासिल की है, और भी बहुत सारे बच्चे, लाइबा है, अलीना है और सादिकाबाद के मुख्तलिफ प्राइवेट और गवर्नमेंट जो स्कूल हैं। मेरा ये लाइबा और अलीना ये किस स्कूल के बच्चे? एक तो पेट्रोल पंप से थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने एकेडमी को भी ये राइट दिया। मैं उसकी जो यहाँ पे इनकी टीम थी उसका भी हिस्सा रहा। हमदर्द साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी से उनका ताल्लुक था। तीन पोजीशन जो है हमारी आई हैं और मैं मैडम जो है उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैडम सादिया मज़हर को। तो ये साज ऐसे जो बच्चे हैं इनके लिए ये जो प्लेटफार्म है ये अपनी मिसाल आप है। एक तो आगे FSC में इनको बड़ा फ़ायदा होगा, दूसरा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफार्म से तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, तीसरा ये है कि इन जैसे वालदैन जो इनके मुस्तकबिल के लिए बड़े परेशान होते हैं, लेकिन पहले से ही इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और ख़ास तौर पे उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन सेट करने के लिए है। अब मेरा ख्याल है कि साथ इंशाल्लाह इसने मुझे बताया कि ये डॉक्टर बनेगा, और ये शक्ल से भी मुझे डॉक्टर लगता है, तो बड़ा अच्छा डॉक्टर बनेगा। इस तरह तमाम बच्चे बड़ी एफर्ट करते हैं, लेकिन अशरफ साहब जो प्रिंसिपल हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, उसका विजन, उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। आप छोटी सी एक एक्टिविटी भी करते हैं तो उसमें काफ़ी अखराजात होते हैं। 4000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना, उनका टेस्ट लेना और उनको इंटरटेन करना बाद में, तो मैं समझता हूं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जहनी आजमाइश के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। मैं अप्रिशिएट करता हूं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूंगा कि दानिश का जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अवामी गपशप सादिकाबाद के होनहार ये हमारे दोस्त भी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, और आखिर में मैं साथ के लिए भी पुरुद हूँ कि ये अपने वालदैन के लिए खुशियाँ लाएगा, अपने मुस्तकबिल के जो इसके ख्वाब हैं वो पूरे करेगा, और इसी तरह तमाम इदारे जो हैं इंशाल्लाह मिलजुल के हम पाकिस्तान को संवारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत देखते रहिए अवामी गपशप, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।